शाम का समय था। सुजीत और राधा मननगढ़ जा रहे थे किसी दोस्त की शादी में। सुजीत, ये हम कैसी जगह आ गए? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। शायद हमने गलत टर्न लिया है, लेकिन देखो आगे गांव दिख रहा है, वहीं किसी से पूछते हैं। ठीक है। सूर्यास्त हुआ और वो लोग फुलेरा गांव की सरहद के भीतर आ गए। सुजीत ने कार नुक्कड़ पर ही रोक दी। ये गांव तो बिल्कुल सुनसान लग रहा है, एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब बात है। तभी किसी ने कांच पर ठक ठक की। वो एक बूढ़ी औरत थी, कमर से झुकी हुई। सुजीत ने कार की कांच नीचे की। लगता है तुम दोनों यहाँ नए आए हो। जी माँ जी, हम रास्ता भटक गए थे, हमें मननगढ़ जाना है। मननगढ़ तो यहाँ से बहुत दूर है, पिछले बड़े मोड़ से तुम्हें दूसरी दिशा में जाना था। अरे यार, अब माँ जी यहाँ कोई होटल शोटल है क्या? इस खंडर गांव में होटल कैसे हो सकता है? तो ऐसी कोई जगह जहाँ हम रात काट सके? है मेरा घर, चाहो तो तुम दोनों वहाँ रात गुजार सकते हो। सुजीत और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। राधा देखो, हमें मननगढ़ पहुँचने में अभी बहुत टाइम लगेगा, और अभी आधी रात को हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता। बेहतर यही होगा कि आज रात हम यहीं गुजार ले। ठीक है माँ जी, हम आपके साथ आ रहे हैं। सुजीत ने गाड़ी पार्क कर दी और उस बूढ़ी औरत के पीछे चलने लगे। रास्ते में दोनों अगल बगल में देख रहे थे, सारे घर खाली थे। सुजीत, ये गांव कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हाँ माँ जी, यहाँ कोई रहता नहीं क्या? नहीं बेटा, सब चुड़ैल से डरते हैं। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल। गांव वालों का मानना है कि रात में इस गांव में एक चुड़ैल घूमती है, अंधी चुड़ैल। चुड़ैल? वो भी अंधी? क्या मजाक है। तुम शहर से हो ना, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर यही सच है। खैर, मेरा घर आ गया। बूढ़ी औरत दोनों को घर के अंदर ले गई। वो रहा तुम्हारा कमरा, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। जी माँ जी। सुजीत और राधा उस कमरे में चले गए और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए। अच्छा हुआ हमें रहने के लिए छत तो मिली। पर तुम्हें ये गांव कुछ अजीब नहीं लग रहा? सारे गांव वाले चुड़ैल के डर से भाग गए। देखो राधा, ये गांव वाले होते ही इतने भोले हैं, हर अंधविश्वास पर यकीन कर लेते हैं। जो भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, उन पर भी यकीन कर लेते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा इस बूढ़ी औरत के अलावा। अगर सबने गांव छोड़ दिया तो ये बूढ़ी औरत अब तक यहाँ क्यों है? चलो उनसे ही पूछते हैं। वैसे भी इस गांव में टीवी वगैरह तो है नहीं, कम से कम कहानी सुनकर ही अपना मनोरंजन हो जाएगा। जब वो लोग लौटे तो उनके सामने ढेर सारे पकवान थे। इतना सारा खाना? अतिथि देवो भवा, इस गांव में आते ही कितने मेहमान हैं, तो सोचा तुम दोनों के लिए ही ये सब कर दूं। थैंक यू माँ जी, आपको पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी है। खा लो। सुजीत और राधा पकवान खा रहे थे और बूढ़ी औरत मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बलि के बकरे। जब दोनों का खाना हो गया तो सुजीत बूढ़ी औरत के पास गया। माँ जी, क्या आप हमें इस गांव की पूरी कहानी बता सकती हैं? हाँ, आज से 40 साल पहले इस गांव में लड़की ब्याह करके आई थी, फुलवा। फुलवा बहुत ही खूबसूरत थी। फुलवा की सुंदरता गांव के बूढ़े जमींदार को भा गई थी। उसकी फुलवा पर बुरी नजर थी। एक दिन जमींदार ने फुलवा को गांव के बाहर पकड़ लिया। ए फुलवा, कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ जमींदार जी। मेरे संग मेरे घर चल, तुझे रानी बना के रखूंगा। छी, ये कैसी ओछी बातें कर रहे हैं आप? बड़ी सती सावित्री बन रही है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तेरा पति तुझे बस दो वक्त का खाना दे सकता है, पर अगर मेरे साथ आएगी तो सोने में लाद कर रखूंगा।
मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। फुलवा वहां से चली गई, पर जमींदार को फुलवा किसी भी हाल में चाहिए थी। उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अगली शाम जमींदार फुलवा के घर के बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये फुलवा चुड़ैल है, काला जादू करती है। मैंने कल रात इसको जंगल में तंत्र मंत्र करते देखा है। अच्छा, मेरे पास सबूत है। कल रात को फुलवा ने अपना सारा सामान यही इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। यहाँ खोदो, सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। फुलवा के पति ने उस पेड़ के नीचे खुदाई की तो वहाँ गुड्डे, नींबू और तंत्र मंत्र का सामान था। फुलवा के पति और गांव वालों को यकीन हो गया कि फुलवा सच में चुड़ैल है जो काला जादू करती है, और इसलिए गांव वालों ने पत्थर मार मार कर फुलवा को गांव से निकाल दिया। फुलवा खाने के लिए लाचार हो गई। जमींदार ने बड़ी कोशिश की फुलवा को अपने बस में लाने की, पर फुलवा ने उसकी नहीं मानी और वो भूखी प्यासी गांव के बाहर भटकती भटकती मर गई और फुलवा चुड़ैल बन गई। सबसे पहले फुलवा ने जमींदार को पकड़ा। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तूने, तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। फुलवा ने जमींदार की गर्दन पे काट के उसका खून चूस लिया। ओ, 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 ओ। फिर बारी आई फुलवा के पति की। तुझे मुझसे ज्यादा उस जमींदार की बात पर यकीन था ना? क्या इसलिए मुझे ब्याह के लाया था? हुँ? नहीं 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 नहीं, जाने दो। और फिर फुलवा ने एक एक करके कई गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए, फिर बहुत लोग मारे गए। तब से इस फुलेरा गांव में कोई नहीं आता। ये सब तो ठीक है, पर आप अभी तक जिंदा कैसे? आपको चुड़ैल ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। बूढ़ी औरत भयंकर चुड़ैल में बदल गई, जिसे देखकर सुजीत और राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। और इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते, चुड़ैल ने राधा की गर्दन में अपना दांत गड़ा दिया और उसका खून चूसने लगी। राधा! और सुजीत का भी वही हाल किया। सुजीत का भी खून चूस कर चुड़ैल खुश हो गई। सालों बाद किसी का खून पिया है, न जाने अगला कौन होगा जिसे इस फुलेरा गांव की अनसुनी कहानी सुननी होगी।